श्री राम का विवाह हो चुका है सीता जी के साथ, पर श्री राम को लगता है कि कुछ ऐसे दिन होने चाहिए, कुछ ऐसे वर्ष होने चाहिए जिनमें उन व्यक्तियों से संपर्क किया जाए जो श्री अवधराज महल में नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए श्री राम ने सरस्वती जी से कहा कि कुछ सूत्रधार भगवान राम है, सरस्वती कठपुतली है। सरस्वती जी से कहा कि तुम किसी भी प्रकार माता कैकेयी को निमित्त बनाकर ऐसा वरदान मंगवा लो जिससे मैं कम से कम 14 वर्ष पर्यंत श्री अवधराज्य सिंहासन छोड़कर वन में रह सकूं, जिसे को केवट कोल किरात वानर भालू इन सब का संपर्क करके एक अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकूं। और वही हो रहा है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं, पर निश्चित रूप से विश्वस्त हूं कि आप मेरी बात मानेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैं अनिरुद्ध जी को जानकर बोल रहा हूं, यदि वो न गए हो तो, राम का अर्थ होता क्या है? मेरा मानना है कि राम माने होता है राष्ट्र। राजीव जी अब और कर जाएंगे, राम माने होता है राष्ट्र और मां माने होता है मंगल। जिससे जिनसे इस राष्ट्र का, और केवल इसी राष्ट्र का नहीं, जिनसे सारे राष्ट्रों का मंगल होता है, वही है राम। मंगल भवन, ये मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अजीर बिहारी जिनके नाम पर
इस जनपद का, इस राज्य का नाम भरतपुर पड़ा। भले यहां भरत सिंह नामक कोई राजघराने के रहे हैं, ये अलग बात है, पर मूल बात ये भरत राम जी के छोटे भ्राता भरत जी के नाम से ही इस राजघर राज्य का नाम भरत पड़ा, भरतपुर पड़ा। क्या कारण है? 14 वर्ष के लिए राम जी इस राष्ट्र को भरत जी के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? कोई कारण तो होगा, कोई कारण अवश्य है, और वह कारण बहुत स्पष्ट है। जब गुरुदेव ने श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का नाम रखा तो भरत जी के नाम की व्याख्या की, भीष भरण पोषण कर जोई, भीष भरण पोषण कर जोई, भीष भरण पोषण कर जोई, जय जय भरण पोषण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस हो, संबंध भारत से है। भारत का संबंध भारत से है, और व्याख्या भले चाहे जो लोग करें, इतिहासकारों ने कहा कि तीन तीन भरतों का ही इतिहासकार केवल एक ही भरत की बात करते हैं। मैं कहता हूं तीन तीन भरतों का ही निवास है। जयंती ऋषभ पुत्र भरत का निवास स्थान है ये, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत का निवास स्थान है ये, और कैकेयी दशरथ पुत्र भरत के निवास का स्थान है ये। ये तो अलग विषय है, पर मैं कहने जा रहा हूं पाणिनि का एक सूत्र है भक्ति ही, ज्ञानम सूत्र पाणिनि ने कहीं नहीं लिखा, भक्ति। और भारत की व्याख्या की, भरतस्य भक्ति यस्मिन, जिसमें भरत की भक्ति छिपी है उस देश का नाम है भारत। भरतस्य भक्ति भारतम, कर्म में भी, कर्म में भी अण प्रत्यय होगा, और सप्तमी अधिकरण में भी भरत जिसका भजन करते हैं उस देश का नाम है भारत। क्या सुनता, इसलिए भगवान राम ने विचार किया होगा कि कम से कम 14 वर्ष के लिए, 14 वर्षों के लिए भारत का शासन एक संत के हाथ में जाना चाहिए। इसलिए मैंने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, मैंने भविष्यवाणी कर दी है। राम जी ने भी 14 वर्ष के लिए कहा था, मैं तो कह रहा हूं मोदी एक संत है, 15 वर्ष के लिए इस राज्य का शासन, राष्ट्र का शासन मोदी के हाथ में रहना चाहिए, फिर 10 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्ष भी और हो फिर के बाद देखेंगे।
देखिए सिद्धांत ये है रामचंद्र दास, सुशासन कौन चला सकता जानते हैं? सुशासन वो चला सकता है जो कुशासन पर बैठता है। किस पर बैठता है? कुशासन पर। विषय बहुत गंभीरता से, हवा भी चल रही, चिंता मत करिएगा। उधर उधर मोबाइल या माइक बंद करने में डिस्टर्ब हो रहा है। सुशासन वही चला सकता है जो कुशासन पर बैठता है।